नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की, जहां शुगर मिल परिसर में स्थित पुष्पनिकेतन स्कूल में विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशल व प्रतिभा एवं रचनात्मकता को विकसित करने के उद्देश्य से थिंक टैंक क्लब के मार्गदर्शन में बींग द नेक्स्ट कलाम विज्ञान प्रदर्शनी और कागज की कश्ती आर्ट एंड क्राफ्ट गतिविधियों का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि विद्यार्थियों में चिंतनशीलता, खोजी प्रवृत्ति, प्रयोग धर्मिता और सीखने की ललक को विकसित करने के उद्देश्य से थिंक टैंक क्लब सक्रियता से कार्य कर रहा है, जिसके तहत विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की। इसी दिन पीटीएम के दौरान अभिभावकों को भी विद्यार्थियों के मॉडलों और रचनात्मकता को देखने का अवसर मिला। उपस्थित अभिभावकों ने विद्यार्थियों के बढ़ते वैज्ञानिक कौशल और रचनात्मक स्तर की प्रशंसा और सराहना की। विज्ञान प्रदर्शनी के लिए विद्यार्थियों द्वारा निर्मित विभिन्न मॉडलों को निर्मित किया गया और चयनित मॉडलों की प्रदर्शनी लगाई गई। होलोग्राम, बर्गलर, घरेलू सुरक्षा और गैस रिवास की सूचना, रोबोट, ह्यूमन फॉलोअर, नेचुरल वाटर फिल्टर, मृदा संरक्षण, प्रदूषण को कम करने के विभिन्न उपाय, कम पानी द्वारा ड्रिप इरिगेशन, ज्वालामुखी और साइंस विद फन आदि क्रियाशील मॉडलों ने सभी को अचंभित कर दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में थिंक टैंक क्लब इंचार्ज और साइंस डिपार्टमेंट के HOD आर के सिंह के साथ साथ भूपेंद्र सिंह, अस्मा परवीन और चंचल काकरान का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विद्यालय की प्रधानाचार्य रश्मि रेखा ने आयोजन की प्रशंसा और सराहना करते हुए कहा कि विद्यार्थियों में रचनात्मक कौशल को विकसित करने में ऐसे कार्यक्रम प्रभावकारी होते हैं। मैं इस आयोजन को सफल बनाने हेतु सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।